हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अलजबरा, बेसिक अलजबरा को शुरू किया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम्स की, एसएससी की बात हो जाए या जो आपके जेके एसएसबी के टॉपिक्स पे है, वहां पे आज की डेट में बेसिक चीजें नहीं पूछी जाती है। बेसिक चीजों पे आपका आ जाता है कि आपको बताना है कि इसका कोफिशियंट क्या है, ये बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आप अगर ये चीजें पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आप एक भ्रम में रहेंगे। आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई जा रही है, जो आप लोगों को होमवर्क मैंने डे वन में दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था ये फॉर्मूलाज को आप लोगों को जो है वो याद करना है, तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने वो फॉर्मूलाज को याद नहीं किया। तो आपको बता दूं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और यही सिर्फ आपको दिमाग में रखने हैं। आज हम टोटल तीन चीजें करेंगे। आज मैं आपको पहले एक करवाऊंगा कि जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को जो एसएससी सीजीएल टायर टू में पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को अगर शिफ्ट पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को वो भी आइडिया रहे। दूसरी हम लोग चीज करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है रेशो की फॉर्म में पूछे जाते हैं, अलजेब्रा के बेसिक आता है ये रेशियो में भी हम इन डिटेल करेंगे, बट आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तीसरा हम लोग करेंगे आज इस फॉर्मूला को डिस्कस, और अगले लेक्चर में मैं यहाँ पे आप लोगों को जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड बनते हैं उसको भी यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो अभी के लिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, आपको कोशिश मेरे एंड से ये है कि क्लासेस डेली बेसिस पे मिले, और जो हमारा ये सिलेबस एक चलता है इसको हम लोग बहुत जल्द खत्म करें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लोगों का होगा प्रैक्टिस सेट। वो क्लासेस आप लोगों के लाइव क्लासेस चलेगी, हर एक का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगा, सेम जैसे एग्जाम में होता है, और 25 या 30 क्वेश्चन की रोज एक लाइव क्लास कोशिश करूंगा। ऑल्टरनेट डेज पे हम इसकी लेके आए, एक दिन रीजनिंग एक दिन क्वांट, ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चंस मिक्स्ड फॉर्म में आए तो किसको अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को सीखनी है और किसको स्किप करना है वो आप लोग चीज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सबसे। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप लोगों को हमारे VAW के कोर्स में ये सारे मिल जाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में, जिसमें अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैं आज कैलकुलेट कर रहा था 7500+ MCQs, GK, इंग्लिश, क्वाड, कंप्यूटर, रीजनिंग, सबके मिला के 7500+ क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट, और ये सारे आपको सिर्फ 400 रुपये में मिल जाएंगे। एक 2 दिन के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो चीजों को पढ़ा था, अब हम इसको एक लेवल ऊपर जाएंगे। कई बार पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये चीजें कही जाती है। और मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, वो क्या थी? वो थी हमारी ऑप्शनल अप्रोच। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग मुझे बता देना। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शनल अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कई बार क्या होता है, ऑप्शनल अप्रोच हमारी एग्जाम में नहीं चलती है। कैसे? अब मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ऑप्शनल अप्रोच पे रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर वन हमारा ये कहता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी वैल्यू को अज्यूम करके। अब जैसे मान लो इस वैल्यू में अगर मैं जीरो डालता हूं तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन जाता है, तो हम जीरो पुट नहीं कर सकते। तो जीरो के बाद नियरेस्ट वैल्यू आती है वन। चलो, अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो एक्स की वैल्यू है वन। अब इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं, 1+1 की पावर 4 वन ही रहेगी, -1/-2 1 का स्क्वेयर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। 1 - 1 ये 0 हो जाएगा जब, तो यहाँ पे √1 बचा, यानी कि सिंप्लीफाइड करके इनमें से जो ऑप्शन की वैल्यू 1 है हम उसको आंसर मार्क कर देंगे। ये हम अप्रोच करते हैं। बहुत बार बच्चे इस अप्रोच में एक गलती करते हैं, जिसके लिए मैं आज ये क्वेश्चन लेके आया। मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन में वैल्यू ले लेंगे, क्या 1 को पुट करेंगे, ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, जिसका आंसर आएगा वो हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन को, अब हम लोग ऑप्शंस पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आती है। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, √1² + 1/2x², यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये देखो, ये हो गया आपका √2/2, यानी कि ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सीधा सीधा मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, x की पावर 4, यानी कि 1 की पावर 4 + 2 की पावर 1 × 4, 1 का स्क्वेयर है, -1/(2 × 1)² तो ये आ गया हमारे पास 1 + 2 - 1/(2) में आ गया ये 2, कैंसल आउट किया, 2/(2) क्या होता है, 2/(2) होता है 1। बच्चे देखेंगे, बच्चे यहां पे कर देंगे आंसर मार्क। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू यहां पे 1 डाली थी तो सिंप्लीफाई करके 1 आई, इसको भी डाला तो ये भी 1 आई। एक स्टेप और आगे बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे, ठीक है। यहां पे इस चीज को समझाने का मेन मकसद ये है कि जब कभी भी आप लोग ऑप्शंस को डालोगे वैल्यूज में, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। इस पे आ जाओ, 1^4 - 1/2 × 1 का स्क्वायर, ये देखो ये सीधा सीधा 0 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट पे आ जाओ, 1^4 1 होता है, +1/2 × 1 का स्क्वायर, तो यहां पे अब आप लोग देख लो कि ये ऑप्शन भी क्या दे रहा है, 1। अब यहां पे सवाल बनता है कि किसको मार्क किया जाए, जिसके लिए मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। आमतौर पे ऑप्शनल अप्रोच से आपको करना किस तरीके से है, वैल्यू किस तरीके से पुट करके आपके आंसर, मेजोरिटी क्वेश्चंस के आंसर जो है एग्जाम में भी आपके वैल्यू पुटिंग से आ जाएंगे। लेकिन कभी अगर आपकी दोनों ऑप्शन सेम मैच हो रहे हैं तो इस केस में आप क्या करोगे, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो इतना तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखो हम वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं, हम वैल्यू को ही अज्यूम करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 थी। पहले मैं ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन है इस पे भी 2 वैल्यू डाल के देख लेता हूं, वो क्या आता है, 1 + 2^4 क्या होती है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 = 16 - 1/2 - 2 अब यहां पे 2 को अज्यूम के ये और ये इस कंप्लीट का हो चुका है, 1 + 15 / ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8 - 8 में रहेगा, स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां से स्क्वेयर करोगे तो 1 + 225 / 64, इसको 64 को ऊपर ले जाओ, ये सारा अंडर रूट में भी है, इसको भी ध्यान रख लेना। कई बार गलती हो जाती है जब हम लोगों का इस तरीके से आंसर नहीं आता तो गड़बड़ होने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 289/64। अब आपको स्क्वायर अगर याद है तो 289 किसका होता है, 289 होता है 17 का, ये किसका होता है 8 का। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जो हमारे पास दो ऑप्शंस थे इसपे 1 की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। अब इन्हीं दो पे हम लोग चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ए और सी को चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 4 डाल दो, क्या होता है, 16 + 2 × 4 - 1 अपॉन में 2 × 4, 4³ x² 16 + 8 - 1 / 8, 16 + 8 = 24 - 1 = 23 / 8, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। फिर भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन में भी x की वैल्यू को क्या करेंगे, 2 डालेंगे, 16 + 1 / 2 × 4 क्या दे रहा है, 17/8। तो यहां से हमारा आंसर हमें पता चल गया क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां पे मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, ठीक है। ऑप्शंस पहले दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को वैल्यू डालना सिखाया, वैल्यू डाल के किस तरीके से आप लोग आंसर्स निकाल सकते हो, मैंने आप लोगों को उस पर बात करी। यहां पे क्वेश्चन में आज हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन में चीज सीखी है वो ये सीखी है कि हमेशा जो भी वैल्यू आप पुट करो, 0, 1, 2, 10 या जो भी, आपको सभी ऑप्शंस पे एक बार चेक करनी है कि आप दो ऑप्शंस सेम वैल्यू तो नहीं दे रहे। जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा था ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो थे वो सेम आंसर हमें दे रहे थे 1 पुट करने पे। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब देखो एग्जाम में जब प्रेशर होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो क्यों करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को चीजों को देखना है कि हम लोग क्वेश्चन को स्किप करेंगे या मार्क को रिव्यू करेंगे। अब जैसे देख लो, अब एग्जाम आप दे रहे हो, टाइमर चल रहा है, आपको सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। मान लो आपने वैल्यू रखी 1 और आपने दो ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, उस टाइम पे आप क्या दूसरे को चेक करोगे, नहीं, आप उस टाइम पे मार्क फॉर रिव्यू का यूज करोगे और बाद में जब बाकी पेपर सारा खत्म कर लोगे फिर इनको आके चेक करोगे कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे हमें चीज कही गई थी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की, जब हमें पता है कि a + b + c क्या है, 0। मैंने कल भी इस तरीके का इक्वेशन रखा था, अब इसको 0 वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। रीजन, हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है। तो अब मैं क्या रख सकता हूं वैल्यू, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपको बस a + b + c का समझो वो 0 करना होगा। मैं a को 2 मान लेता हूं, बी को मैं -1 मान लेता हूँ, सी को मैं -1 मान लेता हूं, ठीक है। अपने इनसे आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ये वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दो, 1/2 का क्यूब 8,
अब 1/1 माइनस माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? -1, -1 का वापस से क्यूब क्या होगा? -1। 1/2 -1 1 रहेगा, तो ये भी 1 रहेगा। अब यहां पे डाल दो वैल्यू, -1 और -1 क्या होगा? -2, ठीक है। और 1/-2 का क्यूब क्या हुआ? 1/8। और सी क्या है? -1 + 2, ये क्या हो गया आपके पास? वापस से 1। 1/8 से 1/8 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। ठीक है, तो यहां पे ये एक दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल देखते हैं किस तरीके का आ रहा है। कई बार अब यहाँ पे हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को भी जो है डील करना पड़ता है हमारे सामने, अगर पेपर में आते हैं तो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कहा था, हम लोगों को इस इक्वेशन को कुछ हद तक इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है वैल्यू एक्स क्यूब की। अब देखो, आप लोग यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कोई पुट करोगे तो 1 लाना मुश्किल है, आप सोचते रह जाओगे नहीं आ पाएगी वो वैल्यू। अब 1 रखोगे तो ये 1 + 1/2, ये 3/2 हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे करें क्या, तो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में एक टर्म दी है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, एलसीएम ले लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर। और अगर मैं यहां पे बात करूं इस इक्वेशन को, अब मैं थोड़ा सा देखूं तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं, हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है? हमें निकालने के लिए कहा गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x + 1। मैं क्या इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं? मैंने 1 को साथ में कर दिया, और यहाँ पे भी ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अलग अलग टाइप है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज हो जाएगी बट आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है? एक्स। क्या मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ? और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो, यहाँ पे भी मैं एक्स डाल देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x / 8x, कैंसल आउट होके ये आ जाएगा 1/2। ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एग्जामिनर बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डालता है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ज्यादातर जो मैंने आपको बताया था, जैसे x + 1/x गिवन होगा कोई वैल्यू, आपको x² + 1/x² की वैल्यू पूछ ली जाएगी, आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ ली जाएगी, वैसे ही ये क्वेश्चन भी बार बार बनते हैं, आपको पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि काफी अच्छा है, इसको हम एक बार यहाँ पे डील कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। कई क्वेश्चंस आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस की वजह से ज्यादा हो गया। अब हमारी ऐप पे जो आपको पूरा कोर्स है उसमें अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अपलोड किए गए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं अभी से। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इस केस में क्या गिवन है? इस केस में हमें गिवन है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ अलग से, x + y की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 4। और साथ ही साथ मुझे वैल्यू गिवन है 1 + x / 1 + y की, जो कि है वापिस से 4। और हमें बोला गया है x³ + y³ की वैल्यू को निकालो, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। अब पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको सोच लिया, आप लोग यहां तक पहुंच गए, अभी तक आप लोगों को इतना स्ट्राइक कर देना चाहिए कि ठीक है, x³ + y³ का फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। अब x³ + y³ कब आता है? जब मैं अगर यहाँ पे लिखूं x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab * a+b, ये फॉर्मूला है। अब हमें ये वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास गिवन है। अब ये अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डाली है तो इसका भी कोई ना कोई यूज होगा। ये किस में हेल्प करेगी? चलो मान लेते हैं, अगर मैं इसको 1/x + 1/y को थोड़ा सिंपलीफाई तरीके से करूं, एलसीएम ले लूं, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, वाई प्लस एक्स ये हो गया 4 के बराबर, और x + y को मैं क्या लिख सकता हूं? 4xy लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बट अब यहां पे एक चीज और देखो, हमें x + y की वैल्यू गिवन है, हमें x + y की वैल्यू गिवन है 4, तो मैं x + y की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 लिख दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो x y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जितनी वैल्यू सब लोगों ने अभी तक निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। x + y की वैल्यू क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है 4, ठीक है। तो इसका आ गया 4³ = x³ + y³, हमें निकालना है। x y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1,
यहां पे आ गया वापस से, एक्स प्लस वाई सॉरी फोर था तो यहां पे आ गया ये 6 का 4 का क्यूब 64, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12, ये 12 वहां चला जाएगा, 64 माइनस 12 क्या होता है 52, ऑप्शन में है एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल है। स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि अप्रोच क्या करनी है, क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग यहां तक लेके आएंगे। तो देखो आपको क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाएगी उसी में ही छुपा होगा कि आपको करना क्या है। अगर क्यूब में पूछा गया है ये किस में आती है, ये हमें पता था भैया इस क्यूब के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला में यूज होती है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है यहां तक, अब चलते हैं अगले दो क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो एक ये बहुत बेसिक है, ये मैं आप लोगों को रेशियो का जब करवाऊंगा तब मैंने आप लोगों को करवा दूंगा, बट फिलहाल दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेशियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बार भी कई बार भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी क्या कहती है, ए इज टू बी की वैल्यू क्या है, वो है 2:3, और बी इज टू सी की वैल्यू क्या है, ये है 4:5। ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई है, जब हम लोगों ने शायद से प्रॉफिट लॉस करा था उसमें मैंने आप लोगों को इस तरीके से करवाई थी। अगर मैं आपको पूछूं ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू निकालिए तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे अप्रोच क्या रहती है, यहाँ पे अप्रोच को नोट कर लेना। ए इज टू बी क्या है, 2:3, उसी के नीचे ठीक हम लोग लिख देंगे, और बी इज टू सी क्या है, बी इज टू सी है 4:5। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे जो खाली जगह है जो वैल्यू यहाँ पे आप उसको लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट रेशो की पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू निकाली जाए। अब किस तरीके से निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 + 12 / 12 + 15, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 20/27, ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, तभी एक बार ही डिस्कस किया हो यहाँ पे जरूरी रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कई बार इस तरीके से गिवन होता है कि अब भैया ए इज टू बी की वैल्यू निकालो, इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगी, अल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन होगी, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो इसको क्या करने का तरीका है, बिल्कुल बेसिक सा है, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3a + 5b = 15a - 25b। अब 25b को एक साइड ले चलते हैं, 25b + 5b = 15a - 3a, बी हो गया हमारे पास 30b, और यहां से आप लोग देख सकते हैं ये आ जाएगा 12a। और पूछा क्या गया है ये देख लेना, कई बार ए टू बी की जगह ना बी टू ए लिख दिया जाता है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी बच्चा आंसर गलत कर देता है। अब ए अपॉन बी पूछा गया है तो 30/12 कर देते हैं, यहाँ पे आप इसको 6 से कर दो, 5/2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक था, दो ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो आती है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला की, जो आप लोगों को मैंने कहा था लर्न करने के लिए, अगर नहीं लर्न किया तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला जो है आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है a³ + b³ + c³ = a+b+c (a²+b²+c²-ab - bc - ca+3abc)। अब आप बोलोगे ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, देखो ये आपकी 8th क्लास की बुक में भी है शायद, तो जो भी चीजें आपकी 6th to 10th में है वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। आप लोग एक और चीज पढ़ते आए हैं अभी तक, वहां लिखा होता है व्हेन a+b+c = 0। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। ये क्वेश्चन का जो है इक्वेशन आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, जब कभी भी ये टर्म हमारी जीरो हो जाती है तो ये फॉर्मूला जो है रिड्यूस होके ये आ जाता है, और एग्जामिनर कई बार पेपर में वैल्यूज भी ऐसी दे देता है जब a+b+c का सब आपका जीरो होता है। अगर नहीं होता तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला हमारा और भी है,
ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डे वन में जब फॉर्मूलास लिखे थे वो एक रीजन की वजह से लिखे थे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, वैसे ही बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग साथ साथ में बोलते चलिए, आपको याद हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। और सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी। याद है, क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने बस ये तीन फॉर्मूलाज लिखे और इनको यहाँ पे इनको पूरा ओपन करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दूं, तो ए कितने टर्म यूज हुई है यहाँ पे, दो है, सी की भी कितनी है, दो है, बी की भी कितनी है, दो है, ऐड करके लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर में होता है, ये होता है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए के बराबर। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखा होगा पेपर में पूछते हुए, तो वो सब चीजों पे आएंगे, बट आप लोग पहले स्टेप बाय स्टेप चीज को समझते चले, तभी मैं इसको प्रॉपर इसी क्वेश्चन को इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब यहां पे मान लो मैं टू को कॉमन ले सकता हूं, इस तीनों में आप लोग देख सकते हैं पूरे में टू है, मैं कॉमन ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज हम लोगों ने करी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम मैं मानता हूं कि हुई होगी। अब यहां पे ये टू को अगर मैं इस इक्वेशन में ले जाऊं, यहां पे डिवाइड कर दूं, तो कुछ वैल्यू हमारी इस तरीके की बन रहेगी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, आपको ये जो वैल्यूज है ये एक मिलती जुलती दिखेगी, कहां पे, यहां पे, क्या आपको सेम वैल्यूज यहां पे मिलती जुलती हुई दिख रही है, तो बस यहां पे ये चीज आपको समझानी थी। आप लोगों का ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से भी बन सकता है, आप इस वैल्यू की जगह आप लोग ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, मान लिया यहां पे हम लोग कर सकते हैं, ये इक्वेशन का फॉर्मूला मुश्किल है याद करना, बट करना पड़ेगा, कि एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैं उसका भी आपको एक ऑप्शनल अप्रोच बताऊंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पर ऑप्शनल अप्रोच नहीं चलती है, तो अगर पेपर में टाइम होगा तो आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे ये चीज समझा रहा हूं कि आप लोग उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर सको। तो अब बात करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको सीधा क्वेश्चंस ही दिखाता हूं क्या क्वेश्चंस होते हैं, मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। पेपर में क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत बार, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इफ एक्स इज इक्वल टू 997, वाई इज इक्वल टू 998, जेड इज इक्वल टू 999। और मैं आपको बताऊंगा एक काफी मजाक की भी चीज है, ये मेरे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे साथ एक लड़का बैठा था, वो इस पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल रहा था। उस बच्चे ने 25 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाए और आंसर नहीं निकला था उसका, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स निकल सकता है, वो 997 का स्क्वायर निकाल रहा था पेपर में। तो मैं नहीं चाहता हमारे जो एक्सपीरियंस है वो भी पेपर में बैठ के इस तरीके की कोई गलती करे। अब यहां पे हमें क्या पूछा गया है, देखो अब हमें यहां पे पूछा गया है इसकी वैल्यू। अगर आप लोगों ने चीजों को पढ़ा है, आप ये लेक्चर समझ के जा रहे हो, तो आपको एक चीज स्ट्राइक करेगी, अभी 2 सेकंड पहले हम लोगों ने एक यहाँ पे वैल्यूज को डराइव करा था, यहाँ पे डराइव करा है, क्या देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब क्या मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
क्या ये चीज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ? अब ये जिस बच्चे ने पढ़ी है वो कर सकता है। इसके अलावा भी एक अप्रोच है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि उस अप्रोच को अभी भी याद रखे। मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, अब ये आप लोग यहाँ पे अगर वैल्यूज को डालोगे तो आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लोगे। कैसे करोगे? अब एक्स की वैल्यू क्या है, 997 माइनस 998 का स्क्वेयर प्लस 998 माइनस 999 का स्क्वेयर प्लस 999 माइनस 997 का स्क्वेयर। ये क्या हुआ, ये वन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर वन प्लस वन प्लस ये दो होगा तो दो का स्क्वेयर चार। क्या आ गया वैल्यू? 6/2 आंसर आ गया 3। ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है। अगर आपके पेपर में आया और आपकी किस्मत अच्छी हुई आपको डायरेक्ट ऐसा मिला तो आप लोग इसको कर सकते हैं। एक अप्रोच यहाँ पे और यूज हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद तो रखना है कि कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपसे पूछा गया तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक और चीज सिखाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट अप्रोच सिखाई थी। एक पेपर में मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को जो चार पांच लेक्चर्स दिए उसमें यूनिट डिजिट सिखाई थी। अब यहां पे आ जाओ, देखो ऑप्शंस पे आ जाओ। ऑप्शंस में अभी क्या गिवन है, ऑप्शंस में भी इस तरीके से गिवन था 3, हम लोगों ने आंसर वार कर दिया। अब यहां पे आ जाओ, यहां तक क्लियर है, मैं स्कोर अप कर रहा हूं। अब आपको एक अप्रोच और सिखाऊंगा यहां पे, ठीक है? अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे 997 क्या है एक्स और यहां पे क्या है एक्स स्क्वेयर। चलो यहां पे देख लो, 997 को अगर मैं स्क्वेयर करता हूं, 7 7 49, ठीक है? आप इसको कर लो, कोई एक वैल्यू आएगी जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9, ठीक है? यूनिट डिजिट तो 9 रहेगी। अगर मैं इसको आपको कैलकुलेटर से 997 का स्क्वायर भी कर दूं इस टाइम पे तो मैं आपको अगर बताऊं क्या होता है, तो वो होता है एग्जैक्ट वैल्यू होती है 994009। मतलब हमें इस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, हमें यूनिट डिजिट देखनी क्या है, 9। मैं यहां पे लिख दूंगा 9। वाई का स्क्वायर, अब ये क्या, 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 64, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। जेड यानी कि 9 का स्क्वायर क्या हुआ, ये क्या हुआ, 1। इतना क्लियर है? अब आ जाओ यहां पे माइनस एक्स वाई, यूनिट डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बताओ, 7 8 56, कोई यूनिट डिजिट होगी वो 6 के बराबर होगी। वाई जेड को अगर मैं करता हूं, 8 9 72, माइनस है, माइनस में यूनिट डिजिट लिख दी मैंने 2। जेड एक्स 9 7 63। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसको ऐड करना है और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 4 13 और 1 14, यूनिट डिजिट क्या है, 4। यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट में चल रहा है, यूनिट डिजिट में ही चलाएंगे। 3 2 5, 6 माइनस 5 क्या हुआ, क्या आएगा, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1 3, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3। यूनिट डिजिट के अप्रोच से अगर आप लोग जाओगे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाओगे। ये आ जाता है कि किसका दिमाग कितना एक्टिव है पेपर के बीच में। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आप लोगों को वो नंबर सिस्टम का लेक्चर याद है, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको सीबीटी एग्जाम्स अटेम्प्ट करना सिखाता हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ राउंड वन में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। राउंड वन में वो करने हैं जिसका 100% पता भैया फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। राउंड टू में कौन से करने हैं, राउंड टू में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पे बैठ के सोच सकते हो, हाँ पढ़ा था, आपको स्ट्राइक कर जाएगा, फॉर्मूला भी करेगा, आपको ऑप्शनल अप्रोच भी करेगी। राउंड थ्री में किस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं, राउंड थ्री में क्वेश्चंस करने होते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया ना सॉल्व कहाँ गया ये वाला, तो ये राउंड थ्री में जब सारा पेपर खत्म कर चुके हो उसके बाद इन क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है? यहां तक क्लियर है चीजें? आज मैं आपको एक होमवर्क भी देके जाऊंगा और मैं होमवर्क आपको देके जाऊंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट वन, ताकि आप लोग यहाँ पे इसको करो सॉल्व। तो ये आज आप लोग करिए होमवर्क। मैं आपको अगले लेक्चर में अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा किस तरीके से करना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे इस तरीके की देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ी है, ठीक है?
इसमें आपका जो मेन पहला फॉर्मूला है ना वो यूज होगा। इसमें आप वैल्यूज पुट नहीं कर पाओगे, वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आ पाएगा। देखो क्यों क्या होता है, ये जो जब आपको ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए की फॉर्म में देता है ना, तो ये एक तरीके का एक साइकिल इसका बनता है, ये साइक्लिक क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें रिपीट होता है, इसमें वैल्यू अज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप लोग वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूँ ये एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर लिख के बताना। कल मैं आके आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जो आपके ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे ये होमवर्क। देखते कितने बच्चे ऐसे जो इसका आंसर करेंगे, जो अच्छा बच्चा इसका आंसर करेगा तो बहुत खुशी होगी। कि थोड़ा दिमाग आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ। हाँ, इसमें आपका ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा बहुत हद तक, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई ऑप्शनल अप्रोच नहीं होता, कोई यूनिट मेथड नहीं होता, इसमें प्रॉपर आपको फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर थर्ड। कल मैं आपको मिलूंगा लेक्चर नंबर फोर्थ में, जिसमें हम कुछ ग्राफ की चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ऑलमोस्ट ये हमारा खत्म हो चुका है कॉम्पोनेंट रीजनिंग, इसके एक दो टॉपिक बचे हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में भी, ये ज्यादातर पेपर में नहीं आते, तो हम लोग इस पे एक एक लेक्चर को ही लेके खत्म कर देंगे। बेसिक अलजेब्रा के बाद मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो आपको इसमें हेल्प करेगी। ये जो डीआई हम जिसको कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो उसके ऊपर डायरेक्ट फिर हम लोग स्विच करेंगे, और इस वाले पार्ट में हमारा सिर्फ एक हाइट एंड डिस्टेंसेस का ही रह गया है, तो उसको भी कवर करके फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, आप लोग मान लीजिए सिर्फ 10% है, अगर हम लोग इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जिसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि एमसीक्यूज लगाओ, टाइम के साथ एमसीक्यूज लगाओ, कि ऐसा नहीं है कि आप 15-15 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन को, वो भी गलत अप्रोच ही है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी, और जो लोग ये चैनल पहली बार देखे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।